हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ओलंपियाड का फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हैं 2^(m-2)^(n=8064। और आपसे क्वेश्चन किया गया है कि m क्या होगा और n क्या होगा। तो बच्चों इसको किस तरह से लगाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2^(m-2)^(n) की जो वैल्यू है वो क्या है, 8064, ये लिख लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों 2^(m) में से माइनस किया गया है 2^(n) की वैल्यू को, देन आपको रिजल्ट क्या मिला है, 8064। यानी यहां पे समझने वाला बात यह है बच्चों कि अगर हम यहाँ पे 2^(m), m हमारा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, और जो भी इसकी पावर होगी वो n की पावर से क्या होगी, बड़ी होगी ना। क्यों होगी बताइए, क्योंकि जब बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू से माइनस होती है ना, तभी उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है बच्चों। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी आपको यहाँ पे सीधा सीधा ये समझना है कि m का मान n से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद m का मान अगर n से बड़ा होना चाहिए तो m कितना बड़ा होना चाहिए n से, वो हम समझेंगे। तो मान लेते हैं कि m की वैल्यू n से k वैल्यू बड़ी हो जाएगी। k आपके क्या है, एक ऐसा मान है जो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो जीरो हो सकता है क्या, k जीरो नहीं हो सकता बच्चों। क्यों, क्योंकि जीरो रखने से तो वैल्यू इक्वल हो जाएगी, और m और n अगर आपस में इक्वल हो गए तो रिजल्ट तो जीरो हो जाएगा। हमने तो लिखा है यहाँ m ग्रेटर देन n, तो k तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे k ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, अगर k का मान जीरो से बड़ा होगा तो एब्सोल्युटली m इज इक्वल टू n प्लस k ही तो होगा। इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू n प्लस k की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे लगा देना है m की जगह इस इक्वेशन में, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं 2^(m), m की जगह क्या लगेगा बच्चों, n प्लस k, और फिर क्या है, -2^(n) इज इक्वल टू 8064, ठीक है। उसके बाद यहां एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहां पे हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 2^(n) इंटू 2^k। आपने एक रूल पढ़ रखा होगा, मैं यहां पे लिख दूं 8^(m) इंटू 8^(n). अगर बेस इंटू में सेम है, अगर बेस इंटू में सेम है, देख सकते हैं a पावर अलग अलग है, तो जो बेस इंटू में सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ये रूल होता है बच्चों। तो 8^(m) प्लस n हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे देख सकते हैं ये इस फॉर्म में लिखा हुआ था, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, वेरी गुड। फिर माइनस क्या है, 2^(n) इज इक्वल टू 8064। अब बच्चों यहां से हमारा 2^(n) क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे भी 2^(n) है, यहां पे भी है, तो दोनों से 2^(n) कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2^(k) माइनस का 1। भाई इसका इसमें डिवाइड कर दो, इसका इसमें डिवाइड कर दो, तो ये बचेगा, और ये जब डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहां लिख दीजिए इज इक्वल टू 8064, ये आपको लिख देना है। अब अगले स्टेप में क्या करना है वो हम आपको यहां पर बताएंगे। देखिए बच्चों 2^(n) ये तो लिखा रहेगा, इनटू है इसके बीच में ना, ब्रैकेट के और इसके बीच में, ये लिख लीजिए 2^(k-1) है, ये लिख लीजिए, उसके बाद इक्वल लगा लीजिए बच्चों, ठीक है। 8064 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8064 को हमें कुछ ऐसा लिखना है जो इस तरह के फॉर्म से मैच करे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो है आपके पास 128 × 63। इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 8064 मिलेगा बच्चों, समझ में आ गया। अब आप कहेंगे ऐसा ही वैल्यू क्यों लिया है, और कुछ क्यों नहीं ले सकते, तो बच्चों अभी अभी हमने बताया है कि इसका मल्टीप्लाई ये होगा, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को के फॉर्म में हमको इस तरह की वैल्यू में लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, अभी देखिए 2^(n) इंटू 2^(k-1) हो जाएगा, इस 128 को हम लिख सकते हैं 2^7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वेरी गुड, इंटू, और इस 63 को क्या लिख सकते हैं, 64 माइनस 1,
64 माइनस 1 क्यों लिखा बच्चों बताइए, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 63 आएगा। अब सुनिए 64 हमारा इस तरह का फॉर्म भी काम कर जाएगा और ये तो एज इट इज आपका बन गया है यहां पे, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7 इंटू 64 को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 6 माइनस 1। आप बच्चों देख सकते हैं इसका फॉर्म ये है, इसका फॉर्म ये है, कंपेयरिंग दैट, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7, 2 2 सेम है बच्चों, कैंसिल होके n कितना मिलेगा 7। अच्छा दूसरी तरफ आइए, 2 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 माइनस 1, यहां से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 टू द पावर k इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। अब यहां से 2 और 2 कैंसिल तो k कितना आया बच्चों 6 आया। अब हमको n तो मिल गया लेकिन m नहीं मिला, तो m के लिए दिया है ना, m इज इक्वल टू क्या है, m इज इक्वल टू है n प्लस k, और n की वैल्यू है 7 और k की वैल्यू है 6, और 7 और 6 कितना होता है बच्चों 13, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 13, m की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी हमारा आंसर्स क्या हुआ, m इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 7, ये हमारे आंसर्स हो गए। अब हम m की वैल्यू 13 यहां लगा दें और n की वैल्यू 7 यहां लगा दें, 2 का 13 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा, माइनस 2 का 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा, उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये आ जाएगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा।